सुबह उठने पर कभी भी बाईं ओर नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। दायां हिस्सा ज्यादा स्थिर है, बायां हिस्सा ज्यादा नाजुक है। रिसर्च से पता चला है बाएं हाथ से काम करने वालों की आयु कम हो सकती है। हठ योग में चाहे सूर्य नमस्कार हो या आसन, हम हमेशा राइट या दाहिनी ओर से ही शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि यही राइट है। आप रॉन्ग साइड से करना चाहते हैं? क्योंकि दायां मर्दाना है। शरीर और ऊर्जा के स्तर पर और मानसिक रूप से भी दायां हिस्सा ज्यादा स्थिर है। स्थिरता से कठोरता भी होती है, ऐसा हमेशा होता है। जो स्थिर है वो कठोर भी है। खुद को बहुत तरल बनाकर भी स्थिर रहने के लिए काम करना होगा। इसीलिए योगियों को पारा पसंद है। वो तरल है पर बहुत स्थिर भी। मर्क्यूरी अकेली ऐसी चीज है, इसीलिए हमें पारा पसंद है, क्योंकि वो बहुत तरल है पर बहुत स्थिर है। दायां हिस्सा ज्यादा स्थिर है पर थोड़ा सख्त भी है। शारीरिक रूप से अगर देखें, अगर शरीर से शुरू करें तो बायां हिस्सा थोड़ा ज्यादा नाजुक होता है, क्योंकि बाईं ओर दिल होता है। ऑफ हैविंग योर हार्ट, जिसका शरीर में कई स्तरों पर महत्व है। सिर्फ खून का संचार नहीं, ये कई तरह से महत्वपूर्ण है। इसलिए दाईं तरफ से शुरू नहीं करते हैं। भारत में कहा जाता है Even when you wake up in the morning, कि जब आप सुबह उठते हैं तब भी दाईं ओर घूमकर उठना चाहिए, कभी भी बाईं ओर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अगर पहली हलचल बाईं ओर होगी तो सिस्टम को कुछ नुकसान हो सकता है। हमेशा दाईं ओर घूमना चाहिए। और क्योंकि धरती का बड़ा हिस्सा और आबादी बड़े पैमाने पर उत्तरी गोलार्ध में है, मानव आबादी का 88% उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में तंत्र के भीतर कई ताकतें हैं जो ऐसे काम करती हैं, इसीलिए हमेशा दाईं ओर घूमते हैं। तो तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लोग पूछेंगे, क्या मुझे बाएं से शुरू करना चाहिए? नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उसी ओर आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। आपको दाएं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और ऊर्जा के लिहाज से दायां हिस्सा अधिक स्थिर है, बायां हिस्सा ज्यादा कमजोर है। तो हमेशा दाईं ओर, आप सुबह उठें तब भी दाईं ओर। पहली हलचल दाईं तरफ होनी चाहिए, बाईं तरफ नहीं। ऐसे अध्ययन हैं जिनसे इस झुकाव के बारे में साफ पता चलता है कि बाएं हाथ से काम करने वाले दाएं हाथ से काम करने वालों से कम जीते हैं। क्या आप जानते हैं? आप बाएं से काम करते? यदि आप लगातार अपने दाएं हाथ से ज्यादा बाएं हाथ का उपयोग करते हैं तो शायद आप दाएं हाथ वाले लोगों की तुलना में औसतन कम जिएंगे। बेशक जीवन और मृत्यु कई दूसरी चीजों से तय होते हैं, पर इससे जीवन काल कम हो सकता है, क्योंकि बायां हिस्सा कमजोर होता है। पहले दाएं हाथ से काम लेना चाहिए, फिर बाएं से। तो हमेशा दाईं ओर।